दोस्तों, मैं हूँ इस असंख्य प्रजा इस पोकेमोन साम्राज्य का महाराजा इसका चाइजार्ड, और मैं सबसे बेस्ट था और हमेशा के लिए रहूंगा। आई एम दी बेस्ट। क्या करूँ गाइस, मैं इतना पावरफुल हूँ तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अबे ओए, उड़ने वाले चिपकली, इन्फर्नेप का नाम नहीं सुना क्या? इन्फर्नेप बेस्ट पोकेमोन था और हमेशा के लिए रहेगा। अभी इस प्ले टाउन में आया था, उसने मुझे चूज किया, तेरे को इग्नोर किया, मैंने मोल्टे से मुकाबला किया, तो बेस्ट कौन हुआ? जल्दी बता उड़ने वाले चिपकली। अबे वो सस्ते बंदर पोकेमोन, मैं बेस्ट था और हमेशा के लिए रहूंगा। मैंने लेजेंडरी बर्ड आर्टिकोनो को हराया है और तू मोल्टेस को नहीं हरा पाया। मैं क्या बोलूँ तेरे को, अभी एक ड्रैगन टेल मारूंगा ना, पोल को धुनता फिरेगा। ओ भाई, कितना मुकाबला करते हो तुम लोग यार, मैं हूं ना। सो है दोस्तों, वेलकम बैक। एंड दोस्तों, आपका गुरुजी आ गया है आप सबको बताने कि इस किस्म का बेस्ट फायर टाइप पोकेमोन आखिरकार कौन है, सबसे पॉपुलर कौन है, सबसे बेस्ट पोकेमोन कौन है आखिरकार। दोस्तों, इन सब की रैंकिंग क्या है, इसने हर एक रीजन में फायर टाइप को जरूर से कैच किया है। अभी काफी जरूरी हो गया है कि हर एक रीजन के फायर टाइप पोकेमोन को सही रैंकिंग में रैंक करना। सो दोस्तों, कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया ना तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से फायर टाइप पोकेमोन को हम लोग रैंक करेंगे, रीजन वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहला पोकेमोन आता है केंटो रीजन से चाइजार्ड पोकेमोन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन था। ना ना ना, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ओनली बेस्ट पोकेमोन था। यानी कि एक चाइजार्ड बचपन से ही, जब वो चार्मेंडर था उस टाइम से ही वो पावरफुल पोकेमोन था। यानी कि चार्मेंडर में उसने काफी सारे मुकाबले किए, उसने प्राइमेप को हरा दिया जिसको कोई भी नहीं हरा पा रहा था, फिर उसने एग्जीक्यूटर, बहुत सारे एग्जीक्यूटर को हरा दिया, फिर वो इवोल्व हुआ, इवोल्व होने पर उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर वो वापस इवोल्व हुआ चाइजार्ड में, उसने एरोडोक्टिल को हरा दिया, मैगमार को हरा दिया, एलेगोजेम को हरा दिया, ड्रैगनाइट से भले वो हार गया पर ड्रैगनाइट को काफी ज़्यादा वीक कर दिया, ना जाने कितने मुकाबले किए, फिर वो उसने ट्रेनिंग ली चाइसबेक वैली में, फिर उसने यार वापस आया गेरी के ब्लास्टोइज़ को हराया, फिर उसने आर्टिकोनो को भी हराया, थोड़ी बहुत मैचेस वो हारा और वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन है, उसने लेजेंडरी पोकेमोन तक को हराया था। ओ भाई, मैंने तो ऐसे करते करते इसके चार्जर की सारी इंपॉर्टेंट बैटल आप सबको बता दी। अरे यार, मैं बेस्ट हूँ यार, मैं क्या करूँ, अभी चार्जर आएगा मुझे मारेगा, तो बताते हैं चार्जर के बारे में। तो दोस्तों देखो, चार्जर पोकेमोन कमाल बेमिसाल है, पावर लेवल इसका अत्यंत पावरफुल है। यानी कि दोस्तों, इसने चार्जर वैली से ट्रेनिंग ली है, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, यानी कि अभी तक इसके पास जितने भी पोकेमोन आए हैं ना, उतनी ज्यादा ट्रेनिंग किसी ने भी नहीं की होगी जितनी एस के चाइजार्ड ने की है। यानी कि अगर किसी पोकेमोन को पावरफुल बनना है ना, तो उसको चाइजार्ड से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एस के चाइजार्ड ने इतनी खतरनाक, इतनी भयानक, इतनी डेंजरस ट्रेनिंग की थी ना चाइजार्ड वैली में, बता नहीं सकता मैं, वो वहां का बेस्ट चाइजार्ड बन गया था। तो हम कह सकते हैं आज की वीडियो में चाइजार्ड ऊपर होगा, काफी ऊपर होगा, क्या पता नंबर वन पर आ जाए, क्या पता नंबर टू पर आ जाए। एक और दो पोकेमोन बेस्ट पोकेमोन है जो कि चाइजार्ड को भी हरा सकते हैं। फिर दोस्तों, अगला रीजन आता है जोटो रीजन। जोटो रीजन में पोकेमोन आता है सिंडाक्विल पोकेमोन। सिंडाक्विल पोकेमोन सच में काफी ओसम था, वो चाहता तो टाइफून युद्ध में इवोल्व होकर चाइजर को आराम से हरा सकता था, बट एस केचम ने यहाँ पे गलती कर दी कि सिंडाक्विल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, फिर आगे चलकर वो कैसे ना कैसे मुश्किल से कुलावा में इवोल्व हो गया। फिर कुलावा में इवोल्व होते उसने क्या किया यार, एक भी बैटल नहीं की। अरे एस केचम कुलावा की पावर को हमको दिखा तो देते, बस इवोल्व करके रख दिया प्ले टाउन में। ना ना ना, काफी गलत बात है इसके, जब तुमने काफी गलत किया और फिर तुम यहाँ प्ले टाउन में गए, सारे फाइट पोकेमोन को इग्नोर ही कर दिया। वाह बेटे, मौज कर दी तुमने तो। फिर दोस्तों, हम लोग एक ही बात करना चाहेंगे, अगर कुलावा पोकेमोन को अपनी पावर दिखाने का मौका मिलता तो ये काफी ऊपर होता लिस्ट में, बट ये लिस्ट में नीचे होगा, बिकॉज इसने ना ही कोई बड़ी बैटल में अपना योगदान दिया, इसी कारण की वजह से ये लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आ ही जाएगा। फिर दोस्तों, अगला जो रीजन है वो है अपन सबका प्यारा होविन रीजन। होविन रीजन सच में कमाल का था, यहाँ पे एक से बढ़कर एक पोकेमोन था, बट यहाँ का वीकेस्ट पोकेमोन जो था ना, वो फायर टाइप पोकेमोन टोरकोल ही था। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई टोरकोल को तुम वीक क्यों बोलते हो? अरे भाई साहब, बहुत सारे पोकेमोन जैसे कि कुलावा, इनको अपनी पावर दिखाने का मौका नहीं मिला, बट टोरकोल को हमेशा मौका मिला अपनी पावर दिखाने का, बट ये हर बार गलत साबित हो जाता है। एरने इसको रेजिस्टील के मुकाबले में यूज किया था, अगर वो चाहता तो अब कमाल बेमिसाल धमाकेदार परफॉर्मेंस कर सकता था, बट उसने ऐसा किया नहीं, पता नहीं क्यों, उसमें उसको एडवांटेज भी थी, फिर भी हार गया। चलो रहने दो, उस टाइम वो हार गया, फिर डाक के बैटल में भी इसको मौका मिला,
उसमें भी हार गया। अरे भाई साहब करना क्या चाहते हो, इतने सारे मौके अच्छे अच्छे पोकेमोन ग्रिंजा तक को नहीं मिलते, तुमको मिल रहे हैं और तुमने बहुत खराब परफॉर्मेंस की। भले ही आपको मेरी सच्चाई जो है कड़वी लग रही होगी, बट यही सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। इटोल गोल ने सच में काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस की होविन रीजन में, सिनो रीजन में। जब जब वो वापस आया है उसने अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दिया है, यहाँ तक उसने अपना 40% भी नहीं दिया, काफ़ी बुरी बात है। फिर जो अगला रीजन है ना दोस्तों, वो है सिनो रीजन। सिनो रीजन सच में कमाल का रीजन था, यहाँ पे हर एक पोकेमोन ने अपना 100% दिया। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिस पोकेमोन ने दी वो था एक चिमचार, जो कि फाइनल इवोल्यूशन में जाके इन्फर्नेम में बदल गया। फिर उसने अच्छी अच्छी बैटल की, अपने इलेक्ट्रिक पोकेमोन को हरा दिया, जिसको यार हरा पाना नामुमकिन था एक कजम के लिए। बट वो बोलते हैं ना, गुस्से की आग सबसे पावरफुल होती है, वही बात को इन्फर्नेम ने सही साबित किया, पोल को हरा दिया। फिर हमको लग रहा था कि इन्फर्नेम पोकेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा, बट अभी हाल ही में पोकेमोन जर्नी सीरीज में इस पेलेटॉन में आता है और हमको लग रहा था अरे भाई मजे मजा आ जाएगा, अभी मजा आएगा ना बीड़ू, एस का इन्फर्नेम आएगा, मोल्टेस को हरा देगा, यस मजा आएगा। जितनी हमने एक्साइटमेंट थी उतनी ही जरा हमको डिसअपॉइंटमेंट मिली। एस का इन्फर्नेम ने कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं की, यहाँ तक कि छोटा सा डैमेज भी यार वो मोल्टेस को नहीं दे पाया, काफी बुरी बात लगी। अगर मैं बता रहा हूँ कि एस अपने इन्फर्नेम के साथ मोल्टेस को हरा देता तो एस का इन्फर्नेम एस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन जाता और इस लिस्ट में वो नंबर 1 पे आ जाता, अभी भी आ सकता है, और वो सबसे बेस्ट बन जाता, उसका दूर दूर तक कोई मुकाबला कर ही नहीं पाता अगर वो मोल्टेस को हरा देता। फिर दोस्तों अगला रीजन आता है अपन सबका प्यारा यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन में काफी सारे पोकेमोन थे, बहुत सारे पोकेमोन सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाए और पिग्नाइट पोकेमोन ने समय समय पर ट्रेनिंग की और अपने आप को प्रूव किया कि मैं बेस्ट था और हमेशा के लिए रहूंगा, भले ही मुझे ट्रेनिंग ना दे बट मैं मैच में अपना 101% दूंगा। और इसी कारण की वजह से पिग्नाइट ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की और इसी वजह से हम इसको सबसे वीक नहीं बोल सकते, ये लिस्ट में थोड़ा सा ऊपर होगा थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि एवरेज टाइप इसकी लिस्ट होगी मेरे हिसाब से। फिर दोस्तों अगला रीजन आता है केलोस रीजन। भाई साहब हर एक पोकेमोन कमाल था, बेमिसाल था, ऐसा एक भी पोकेमोन नहीं था कि वीक हो, पोकेमोन टीम छोटी थी, इसी कारण की वजह से इसने हर एक पोकेमोन के ऊपर सही से ध्यान दिया, प्रॉपर टाइम दिया और इसी कारण की वजह से इसका टेलोन फ्लेम पोकेमोन काफी बेस्ट पोकेमोन निकल के उभर के हम सबके सामने आया। भले यार ये भी मोल्टेस को हरा नहीं पाया, बट उस टाइम ये वीक पोकेमोन था, बट इन्फर्नेम ने अपनी पूरी पावर को अचीव कर लिया था, फिर भी वो हार गया। बट ये जो टेलोन फ्लेम है ना, ये तो हारे गई हम सबको पता है, बट इसने केलो रीजन में सच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और ये केलो रीजन का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन माना जाएगा और इसी कारण की वजह से ये लिस्ट में काफी ऊपरम ऊपरम आएगा। फिर दोस्तों अगला रीजन आता है एलोला रीजन। यस गाइस एलोला रीजन कमाल का था, खासकर दोस्तों उस रीजन में एस के इंसेंट्रोन के ऊपर जो फोकस किया गया था ना कमाल का था, क्या स्टोरी लाइन हमको देखने को मिली मैं बता नहीं सकता, यानी कि बचपन से हम इससे इमोशनली कनेक्ट थे, कितना पावरफुल है, इसके साथ साथ हम लोग जर्नी जी रहे थे और जिस तरीके से ये इंसेंट्रोन में आया, प्रोफेसर कुकुई को हरा दिया, बहुत सारे पावरफुल पावरफुल पोकेमोन को हरा दिया, जी मूव भी कर सकता है, तो एक वर्ड में बोले तो ये पोकेमोन वन ऑफ द बेस्ट क्या वीडियो में काफी उपरम उपरम आएगा, भाई साहब ये पोकेमोन आग लगाने वाला है। फिर दोस्तों अगला रीजन आता है गलार रीजन। यहाँ पे इसने एक भी फायर टाइप पोकेमोन को केस नहीं किया, क्या एस तुम अपनी परंपरा का उल्लंघन करोगे, यानी कि हर रीजन में तुम यहाँ फायर टाइप पोकेमोन को केस करते हो और गलार रीजन में नहीं करोगे, काफी बुरी बात है, जाओ फायर टाइप पोकेमोन को केस करो और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अब बारी आती है इन सबको रैंक करने की, तो चल गुरु हो जा शुरू। सो दोस्तों नंबर 6 पे जो पोकेमोन आता है ना एस केजम का पोकेमोन, वो है टोरकोल पोकेमोन। टोरकोल पोकेमोन के साथ यार काफी बुरा हुआ, बट इसमें इसकी गलती है, इसने अपने आप को प्रूव नहीं किया, एस ने भी पूरी कोशिश की थी इसको पावरफुल बनाने की, बट ये पावरफुल बना ही नहीं। इन सब कारणों की वजह से एस का सबसे वीकेस्ट फायर टाइप जो पोकेमोन है वो है टोरकोल पोकेमोन, जो कि हमारी वीडियो में नंबर 6 पर आता है। एंड दोस्तों नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है को लावा पोकेमोन, भले ये लिस्ट में थोड़ा नीचे हो बट इसमें इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पूरी की पूरी गलती एस केजम की है, उसने इसके ऊपर पूरी तरीके से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, हमेशा इसको इग्नोर किया, तो भाई साहब वीक तो होगा ना, इसी कारण की वजह से ये जो पोकेमोन है नंबर 5 पर आता है। एंड दोस्तों नंबर 4 पे जो पोकेमोन आता है ना वो है पिग्नाइट पोकेमोन। भाई साहब पोकेमोन भले यार उतना ज्यादा ऑसम ना हो बट इसने अपने आप को प्रूव किया कि मैं बेस्ट था और हमेशा के लिए रहूंगा, ना जाने भले कुछ भी हो जाए बट मैं बेस्ट था यार, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा यार। इन सब कारणों की वजह से इसके इस मोटिव के कारण ये जो पोकेमोन है नंबर 4 पर आता है। एंड दोस्तों नंबर 3 पे जो पोकेमोन आता है फायर एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन, ना 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 चाहिए यार नहीं, मैं बात कर रहा हूँ टेलोन फ्लेम के बारे में। टेलोन
फ्लेम सच में काफ़ी अच्छा पोकेमोन था, पावरफुल भी था, अपने आप को हमेशा प्रूव किया कि मैं लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, मैं इसमें हमेशा 101% दिया। इन सब कारणों की वजह से टेरोफ्लेम जो पोकेमोन है नंबर 3 पर आता है। एंड दोस्तों नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है ना वो है इंसिनरोर पोकेमोन। भाई साहब कमाल का पोकेमोन है, आप इसके बारे में जानते हो ना कितना फंटेस्टिक पोकेमोन है। पावर लेवल के बारे में मुझे बताने की कतई भी जरूरत नहीं है, ये पोकेमोन अपने आप को प्रूव कर सकता है। हम सबको पता है कि ये पोकेमोन बेस्ट है, दैट्स व्हाई ये आता है नंबर 2 पर। एंड दोस्तों नंबर 1 पे पोकेमोन आता है इंफोनेप पोकेमोन। यस गाइस इंफोनेप पोकेमोन भी कमाल का है, इस पोकेमोन की ब्लेज एबिलिटी का ये नंबर 1 पे आता है। अगर ये मोल्टेस को हरा देता ना तो ये अकेला नंबर 1 पे होता, बट ये अकेला नंबर 1 पे नहीं है, अभी इसके साथ यार चाइजार्ड पोकेमोन भी है। यानी कि दोस्तों नंबर 1 पे है चाइजार्ड एंड इंफोनेप पोकेमोन, दोनों पोकेमोन कतई ऑसम है, दोनों का पावर लेवल इक्वली पावरफुल है। हमको बताया गया था प्रोफेसर ओक ने कि इंफोनेप और चाइजार्ड दोनों मुकाबला किया था, बट उसका विनर कौन था हमको ये नहीं बताया गया। तो हम कह सकते हैं कि चाइजार्ड और इंफोनेप दोनों का पावर लेवल एक जैसा है। सब कारणों की वजह से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, कि आप भी मेरी इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर नहीं कमेंट बॉक्स में अभी कभी मुझे बता दे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्रोग्रेस का आंसर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।